हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। हम लोग आए हैं एक नई लोकेशन में, जनकपुरी पेट, चंपारण मटन। किस तरह से बनता है, लोगों का क्या टेस्ट है, क्या रिव्यूज है, वो भी लेते हैं और आपको प्रोसेस दिखाते हैं आपको पूरा, किस तरह से ये बनता है मटन। भैया आपका नाम? मेरा नाम विवेक। विवेक, कितना टाइम हो गया इसको चंपारण मटन को यहाँ पे? हो गया सर 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। और क्या प्राइस क्या है इसका मटन का? आपका 1200 का। 10 पीस। तो आप कह रहे थे ना कि आपने बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे को दिखाओगे किस तरह से बनता है? अच्छा, ये हांडियाँ लगती हैं इस तरह से, तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है मुझे बताओ। आप मटन, मतलब मटन है, प्याज है, खड़ा मसाला, लहसुन। अच्छा, अपना खुद का जो स्पेशल मसाला वो मैं डाला हुआ है। हाँ हाँ, हांडी अपना। तो अभी कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 2 घंटा लगता है पूरा बनने में। और रेडी भी है कोई? रेडी हांडी पड़ी हुई है। फ्रेंड, लग गया है मटन तो, और ये रेडी मटन है जो बन चुका है। ये देखिए आप, कलर टेक्सचर देखिए इसका, चंपारण का मटन बोलते हैं ना इसको। और ये पूरा फुल हांडी कितने की है? हाँ, 3000 का पूरा फुल हांडी। और वैसे 250 कोई आधा किलो लेता है या फिर कैसे? 250 ग्राम 300 का है। और साथ में क्या सर्व करते हैं आप इसके? रोटी और राइस। 250 ग्राम 300 का मटन होगा, 250 ग्राम। उसके साथ आप क्या देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब चावल या रोटी? कोई अलग अलग है, मतलब 300 की वो प्लेट अलग है, 300 की चावल की प्लेट का अलग, रोटी अलग अलग, उसका पे करना पड़ेगा अलग अलग। साढ़े दस तक। नाम अंकल आपका? संजीव। संजीव जी, कितने टाइम से खा रहे हैं चंपारण का मटन? जब से खुला है। जब से खुला है, जब से खा रहे हैं। और क्या रेटिंग देंगे टेस्ट का? नौ, मतलब टेस्टी है बहुत मटन। हाँ, बहुत। क्या खाने आए हो? क्या खाने आए हो? मटन चंपारण वाला? चंपारण वाला। तो कैसा स्वाद लगता है? बहुत। तो ये ऑफिस आप कहीं है डिस्ट्री सेंटर में? हर वीक हम आते हैं, बुधवार। बुधवार को हर वीक आते हो पूरी टीम के साथ? सारे मटन खाने आए हो? ये भैया पैक कर रहे हो, कितना है? 600 का हाफ। फ्रेंड्स, ये है इनका बोर्ड, राजू चंपारण मीट हाउस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी। तो भैया चेक कर रहे हो बना नहीं बना, कैसे पता लगता है आपको कि बन गया है, पक गया पूरा? कलर से। फ्रेंड्स, ये हांडियाँ उबल रही हैं, ये देखिए। अच्छा, ये जो चंपारण का मटन है, इसमें सबसे स्पेशल यही होता है कि हांडी में बनता है कि कुछ और भी स्पेशल डलता है इसमें? मसाला स्पेशल होता है, अलग होता है। क्या कुछ बता सकते हो कि मतलब क्या चीज़ अलग होती है, क्या मेन मसाला? अच्छा, आपका मसाला पर्सनल मसाला है वो? अच्छा, बाकी लहसुन प्याज वगैरह तो डलता ही है, बाकी आपका मेन मसाला है डिफरेंट, जो सीक्रेट मसाला जो होता है वो डलता है जो। अच्छा, पंखा चलते रहना पड़ता है आपको ताकि कोयला जो है वो गर्म रहे, भभकता रहे कोयला। फुल पैक हो रहा है, कितने का है फुल? 1200 का। अब कलर देखिए इसका मटन का, कितना ज़बरदस्त है मटन के साथ। ये किस चीज़ की है? नॉर्मल आटे की है कि मैदा मिक्स है? आटे है सर, नॉर्मल आटे की रोटी। नॉर्मल आटे की, प्लेन आटे की बनी होती है। ये आपने स्टार्ट किया था कि ऐसे पापा वगैरह स्टार्ट किया, तो उसके आगे आप चला रहे हैं? अच्छा, फादर स्टार्ट किया था। कितना टाइम हो गया होगा? 30 साल। तो यहीं पर था डिस्ट्रिक्ट सेंटर में शुरू से कि कहीं और था पहले? पटना। अच्छा, बिहार पटना में था पहले। पापा बॉम्बे में चला रहे हैं? बॉम्बे में चला रहा हूं, तीन ब्रांच है और में। यहाँ दिल्ली में यही है, सदरन क्लेम में, डियर पार्क के पास। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत का काम है हांडी में मटन को पकाना। ये भाई लोग आए हुए हैं मटन खाने के लिए, शौकीन है मटन के। एक हांडी पूरी ले ली है, तो उसमें हो जाता है आप लोगों का 6 बंदों का? आराम से। क्या भैया आपका? मेरा राकेश। राकेश जी, कब से खा रहे हैं चंपारण का मीट? 3 साल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम असली यही है की देखो, गर्मियों में कभी कभी आता हूँ, सर्दियों में रेगुलर आता हूँ। रेगुलर कितना टाइम, हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में एक या दो बार। एक दो बार आते हो। क्या रेटिंग दोगे, 5 में से 10 में से कितनी रेटिंग दोगे फूड को? 10 out of 10। मटन की चेकिंग हो रही है फ्रेंड्स। से ग्रेवी का कलर चेंज होता जाता है जैसे जैसे बनता जाता है। फ्रेंड्स, से रेडी हो गई हांडी, और कलर देखिए कितना चेंज हो गया। मैंने पहले भी आपको हांडी दिखाई थी जब बन रही थी, पक रहा था मटन, और अब बनने के बाद अब देखिए इसका कलर। फ्रेंड्स, मटन बहुत बढ़िया है इनका, मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। सिंपल की शॉप है लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है इनका। मैंने जिन लोगों से बात करी है सबने बताया है कि मटन उन्होंने कहीं ट्राई करना ही छोड़ दिया, यहीं पर खाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए यहाँ पर आकर, और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे, नए नए बढ़िया बढ़िया ऐसे ही इस तरह के खाने की चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कराते रहिए लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।